सरदार शुजात बुखारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में उनके दो अंगरक्षक भी मारे गए। बुखारी पर हमला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में शाम करीब 7:30 बजे तक किया गया, जब वह अपने कार्यालय से ही इफ्तार के लिए निकले थे। हमला किसने किया है अभी पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि शुजात बुखारी की हत्या आतंकियों ने की है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुजात की मौत पर दुख जताया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शुजात की हत्या की निंदा की है। बुखारी की हत्या के बाद मीडिया जगत में शोक की लहर है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की कड़ी निंदा की और घटना पर दुख जताया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की निंदा। वरिष्ठ पत्रकार की हत्या की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। राजनाथ सिंह ने कहा, मिनुस बुखारी की हत्या करना एक कायराना हरकत है। यह कश्मीर की आवाज दबाने की कोशिश है। बुखारी एक निडर और साहसी पत्रकार था। उनकी मौत की खबर ऐसे ही गहरा दुख हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शुजात की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मिनुस शुजात बुखारी की हत्या प्रेस की आजादी पर एक क्रूर हमला है। आतंक का एक भयावह और अपमानजनक कार्य है। निडर मीडिया हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और हम मीडिया व्यक्तियों को एक सुरक्षित और अनुकूल कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। शुजात बुखारी घाटी का बड़ा नाम। शुजात बुखारी भारत पाक के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए जारी ट्रैक 2 की प्रक्रिया में भी शामिल थे। उन्हें 10 जून 2006 को भी आतंकियों ने श्रीनगर के रेजिडेंसी रोते सही अगवा किया था। वह अंग्रेजी दैनिक राइजिंग कश्मीर के अलावा कश्मीरी भाषा के अखबार संगरमाल और उर्दू दैनिक बुलंद कश्मीर के संपादक और प्रकाशक थे। उनके बड़े भाई सईद बशारत बुखारी दीदी भी भाजपा गठबंधन सरकार में कानून मंत्री है। शुजात बुखारी के परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। सब्सक्राइब चैनल 5 मोर अपडेट।